Hello everyone, welcome to INPS classes. Myself Akhand Chaurasia. I have secured NIMS AIR 181 in NIMSET 2021 and currently I am pursuing MCA from NIT Suratkal. In this video, I will be talking about documents which are required at the time of your NIMSET counseling. So, ये कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके जिसको आपको रिक्वायरमेंट होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि वो आफ्टर 1st of April 2022 के बाद ही इशू हुआ हो. देन गैप ईयर एफिडेविट, अगर आपके एजुकेशन के ड्यूरेशन में आपका कोई गैप ईयर हुआ है, लाइक इंटर के बाद गैप हुआ है या फिर कॉलेज के बाद एक ईयर का गैप है, सो आपको एक गैप ईयर का एफिडेविट बनाना होगा और इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में मिलेगी आपको. देन मेडिकल सर्टिफिकेट एंड देन फोटोग्राफ्स. देन कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तीन कंडीशंस में पड़ेगी, अगर आपने EWS, OBC या SC/ST के थ्रू अप्लाई किया है. और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट आफ्टर 1st of April 2022 के बाद ही इशू हुआ होना चाहिए. देन कास्ट सर्टिफिकेट दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है एंड देन एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है. आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू कास्ट सर्टिफिकेट की ही ज़रूरत होगी, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा वो वैलिड नहीं होगा निमसेट काउंसलिंग में. देन गैप ईयर एफिडेविट. सो गैप ईयर एफिडेविट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एजुकेशन के ड्यूरेशन में अगर आपने कोई ईयर गैप किया है, सो आपको इस गैप ईयर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी और इसका परफॉर्मा आपको आपके रेस्पेक्टिव NIT प्रोवाइड करेगी. सो आप कोई भी अपने मर्ज़ी से कोई भी परफॉर्मा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अपनी NIT के वेबसाइट पर जा करके वहाँ से परफॉर्मा डाउनलोड करके उसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपका गैप ईयर एफिडेविट बनवाना होगा. देन मेडिकल सर्टिफिकेट. मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी परफॉर्मा आपकी रेस्पेक्टिव NIT आपको प्रोवाइड कराएगी. आपको अपनी मर्ज़ी से किसी भी फॉर्म को फिल करके या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको अपनी NIT के वेबसाइट पर जा करके वहाँ से उसका परफॉर्मा डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करवाना है. और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने सिटी में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जा करके उस रेस्पेक्टिव NIT के थ्रू जो भी परफॉर्मा आपको प्रोवाइड किया गया है उसको फिल करवा सकते हैं. सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको, आप जब NIMSET का फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे. देन आपको उसका फोटोकॉपी भी चाहिए होगा, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, चॉइस फिलिंग, लाइक जो अभी आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे. सो जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसका आपको एक प्रिंट आउट लेकर के रखना है. देन आपको आफ्टर अलॉटमेंट लेटर, जब आपको NIT कोई अलॉट हो जाएगी तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर का भी प्रिंट आउट रखना होगा. सो ये पांच चीज़ों का प्रिंट आउट आपको अपने साथ रखना होगा. सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के हैं एंड आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपकी 10th की मार्कशीट्स, 12th की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट. एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपियरिंग में होंगे, उनके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स नहीं होंगी, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है उसके बारे में अभी मैं बात करूँगा. सो देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल डिग्री. सो ये जो तीन चीज़ें हैं, माइग्रेशन, कैरेक्टर एंड प्रोविजनल डिग्री, ये आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड कराएगा एंड इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन अभी आगे की वीडियो में आपको मिलेगी. सो मार्कशीट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपियरिंग में होंगे एंड उनके पास सारी की सारी मार्कशीट्स नहीं होंगी, सो उनके लिए आपकी NIT आपको एक परफॉर्मा प्रोवाइड कराएगी जो आपको अपने कॉलेज से फिल करवाना होगा, जिसमें वो ये इंश्योर करेंगे कि अभी आप अपीयरिंग हैं एंड आपको सारी की सारी मार्कशीट्स नहीं मिली हैं. सो देन बाद में आप वो प्रोवाइड कराएंगे. सो आप अपने
जो भी NIT आपको अलॉट हुई है आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल करवा सकते हैं एंड वो अटेस्ट करवाएंगे अपने कॉलेज के थ्रू, वो सील लगाएंगे एंड साइन करेंगे। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दें, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी टाइम लगा देती हैं सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कराने में, और अगर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग नहीं हो पाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से आप जितनी जल्दी हो सके माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। देन प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री आपका कॉलेज ही प्रोवाइड कराएगा। होता क्या है, अपियरिंग स्टूडेंट्स के पास अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है, सो फॉर द टाइम बीइंग आपका कॉलेज आपको एक प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आप अपने कॉलेज में जाकर के आप उनसे कहेंगे कि हमें प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कराइए, सो वो आपको प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कराएंगे एंड इसमें भी वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं, सो जितनी जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। आप सबके रिजल्ट्स तो आ ही चुके होंगे, सो आई थिंक अभी आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी एंड अगर नहीं होते डॉक्यूमेंट्स तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस वजह से आप जितनी जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दीजिए। सो हर NIT के अपने कुछ अलग प्रोसीजर होता है एडमिशन का एंड वो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जो आपको फिल करके उस रिस्पेक्टिव NIT को देना होता है। सो आपको अपने एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपने NIT की वेबसाइट पे जाना है एंड उनके दिए हुए ब्रोशर को अच्छे से पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या आपसे मांगा हुआ है, और हर फॉर्म को उन्हीं के अकॉर्डिंग फिल करके आपको उनको प्रोवाइड कराना है। एंड सपोज जैसा कि मैंने अभी आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो हर NIT उसके लिए एक परफॉर्मा प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अपने कॉलेज के थ्रू फिल करवाते हैं एंड देन वो कॉलेज इंश्योर करता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम वो उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो आप उस चीज़ को उस फॉर्म को फिल करके अपने NIT में प्रोवाइड करा सकते हैं, और आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हर डॉक्यूमेंट के दो सेट आपको प्रिपेयर करने हैं एंड आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी दोनों चीज़ें अपने साथ रखनी होंगी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जो भी फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सो अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से NIT को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन से NIT को कम प्रेफरेंस देना है। सो इसी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसी सीक्वेंस में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। सो फर्स्ट नंबर पे आपकी रहेगी NIT ट्रिची, सेकंड पे रहेगी NIT सूरतकल, थर्ड पे रहेगा NIT इलाहाबाद, फोर्थ पे वारंगल, देन फिफ्थ पे कुरुक्षेत्र, सिक्स पे NIT भोपाल, सेवन्थ पे NIT जमशेदपुर, एट्थ पे NIT रायपुर, देन नाइन्थ पे NIT अगरतला। सो इसी सीक्वेंस में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। सो इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग के बारे में बात करी है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।